के ऊपर अनेक बार अनेक शासन आए और अनेक शासकों ने इस देश को षड्यंत्र पूर्वक तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन सनातन संस्कृति को अभी तक कोई तोड़ नहीं सका, न तोड़ पाएगा। आगे भी कोई भविष्य में भी ऐसा कोई विचार करेगा तो स्वयं टूट जाएगा, लेकिन हमारा सत्य सनातन धर्म कभी नहीं टूट सकता है। इसलिए बंधुओं, हम सबको कटिबद्ध होकर के सनातन धर्म की परंपरा को अक्षुण बनाए रखने के लिए त्याग बलिदान और वीरता के साथ में वैराग्य के साथ में हम सबको आगे आना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। आप शुभ और लाभ का प्रतीक इस स्वस्तिक को देख रहे हैं। ये स्वस्तिक चार चतुष्टी धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रतीक है, षड दर्शन का प्रतीक है, ओम का प्रतीक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रतीक है। और हमारी संस्कृति में शुभ भी होना चाहिए और लाभ भी होना चाहिए। इसलिए इस गौ माता के पवित्र प्रांगण में आज हम सब ने, भले ही आप कम संख्या में लग रहे हो, जीवाणा बहुत बड़ा है, लेकिन जो जो यहाँ गो भक्त पधारे हैं उनके मन में गौ माता के प्रति खूब अथाह प्रेम है, और आपके प्रेम के कारण ही मैं इतना दूर से यहाँ पर आया हूं। इसलिए इस धरती पर बहुत दिव्य और पवित्र काम होने वाला है। जिन संतों ने, जिन गो भक्तों ने पवित्र संकल्प के साथ में निष्काम भाव से गो माता के पवित्र संकल्प को प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से वो कभी बंद नहीं होने वाला। अनवरती गंगा चलती रहेगी, चाहे कितना भी कोई प्रयास कर ले, लेकिन गो माता की पवित्र सेवा इस धरती के ऊपर चलती रहेगी। और आज तो बंधुओं बहुत सरल काम है, गो माता की सेवा करना सबसे सरल काम हो गया है, लेकिन पता नहीं अनेक लोगों को कठिनाई क्यों महसूस हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो जो लोग कर रहे हैं उनको आनंद आ रहा है। इस धरती के ऊपर चतुष्पाद जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में एक ही ऐसा प्राणी है जिस प्राणी के लिए भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं। आपको पता होगा दीपावली के बाद में और कार्तिक पूर्णिमा के पहले गोपाष्टमी का हमने पवित्र पर्व मनाया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गो माता की गोचारण लीला प्रारंभ की, गो माता को चराने के लिए गए। माता जी ने कहा, कन्हैया तुम गैया को चराने के लिए तो जाते, तुम्हारे पैर तो नंगे हैं। तो कन्हैया ने कुछ कहा नहीं और कन्हैया माता जी को ठाकुर जी के मंदिर में लेके गई, और माता जी के सोने की जूती पहनी थी, तो कन्हैया लेके चलते गए। माँ ने कहा, कन्हैया मुझे जूती तो उतारने दो। नहीं माँ, जूती उतारने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं ठाकुर जी का मंदिर है, मंदिर में जूती नहीं चलती है। कन्हैया ने कहा, माँ अगर भगवान के मंदिर में जूती नहीं चलती है तो मेरी माँ के अंदर तो 33 कोटि देवी देवता है, मैं जूती पहन के कैसे गौ माता को चराने के लिए जाऊंगा। ये है हमारे कन्हैया की महिमा और ये है गौ माता की महिमा। इसलिए बंधुओं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, जो तो सेवे गो को, जो तो पाले गाय को और फले फूले अगाय, ये है गो की महिमा। एक गो माता की सेवा करने से कलिकाल के अंदर आप उसको पृथ्वी माता को, आप उसको गो माता को, अर्थशास्त्र का तंत्र को, कृषि का विज्ञान को, सामाजिक आधार को, भारत का मूल स्तंभ को, एक ही बात है, जब इस धरती के ऊपर गो माता बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी, गो माता बचेगी तो हमारी सभ्यता बचेगी, और अगर गो माता को नहीं बचा पाए तो बंधु हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गो माता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म इस वर्तमान समय के अंदर। गो माता की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म है ही नहीं। भी समष्टिगत और व्यष्टिगत दो प्रकार के कर्म होते हैं। समष्टिगत कर्म वो होता है जिस कर्म से मानव मात्र को लाभ होता है, और व्यष्टिगत कर्म वो होता है जिस कर्म से केवल एक व्यक्ति को लाभ होता है।
अब हमें तय करना चाहिए कि व्यष्टिगत कर्म करना है अथवा समष्टिगत कर्म करना है। तो हम सबको समष्टिगत कर्म करना चाहिए, जिसमें सबका हित होता है वो कर्म करना चाहिए। आप सबको पता है वृक्षों के अंदर पीपल है, तुलसी है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम गंदी वस्तु छोड़ते हैं, लेकिन ये वृक्ष है वो हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वृक्ष तो हमको लगाना ही है सब जगह, लेकिन साथ ही साथ गो माता एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती गो माता। इसलिए गाय के सानिध्य में रहने वाला कभी व्यक्ति बीमार नहीं होता है। जहां गो माता रहती है वहां किसी प्रकार का रोग नहीं आता है। इसलिए हम सबको गो माता को रखनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि वास्तव में ये जो गौशाला है ना, जैसे माता पिता के वृद्धाश्रम है, ऐसे ही गौशाला मानते हैं। लेकिन वर्तमान समय ऐसा है, क्या करेंगे, अब हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो गौ माता बचेगी कैसे। इसलिए गौशालाओं के अंदर जो जो गौ माता है वो तो सुरक्षित है ही, लेकिन घरों के अंदर भी अगर आप लोग गौ माता का पालन पोषण कर रहे हैं तो मैं बहुत दिव्य काम समझता हूं, बहुत पवित्र कार्य है ये। पिछले लगभग 4-5 वर्ष से इस गांव के अंदर मेरा आना जाना रहता है। पहली बार मैं आया था तो जीतू भाई है, हमारे सुख सिंह जी है, और रामचंद जी ठाकुर साहब वगैरह सभी ने मिलकर के 2-3 दिन का यहाँ कार्यक्रम रखा था। और उस कार्यक्रम के अंदर गौ माता के लिए जैसे ही घोषणा प्रारंभ की, बहुत अच्छी धनराशि से मैंने इकट्ठी कर दी थी। इसका मतलब गौ माता के प्रति आपका भाव तो खूब है, खूब भाव है आपका, लेकिन अब उस भाव का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है। आपका विशाल हृदय चाहिए। कितने ऐसे गांव हैं, आप बुरा न माने, कितने गांव हैं, उन गांवों की सारे के सारे गोचर चले गए, सारे के सारे ओरण चले गए। तो क्या हमारे गांव भी सुरक्षित रह पाएंगे, क्या नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम सबको गो माता की धरती को बचाना है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं इसी परिप्रेक्ष्य में। एक पुराणों में कथा आती है, एक व्यक्ति को जलाने के लिए शमशान में ले जाते हैं और उस मुर्दे को शमशान में जलाते हैं। जलाने के बाद में रात्रि के समय वहां चांडाल आता है और चांडाल कौए का मांस पका रहा है, और कौए का मांस जिस हांडी में पका रहा था उस हांडी के ऊपर कुत्ते की खाल है उसका ढक्कन दे दिया। तो कोई सज्जन व्यक्ति यहां वहां से गुजरा, उसने पूछा कि भाई तू कौन है, तो कहा कि भाई मैं चांडाल हूं। तो कि तू क्या कर रहा है, तो कि मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरा भोजन पका रहा हूं। तो कि भोजन पकाने का ये स्थान है क्या, तो कि हाँ मेरे तो जहां मुर्दे जलते वही मैं भोजन पकाता हूं। ठीक, तो किसका भोजन पका रहा है, तो कि कौए का मांस पका रहा हूं। तो तूने ढक्कन किसका दिया है, तो कि कुत्ते की खाल का ढक्कन दिया। अच्छा, मांस पका रहा है, ढक्कन देने की जरूरत ही क्या, अब उसके अंदर कुछ भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो कि ऐसा क्यों किया तूने, तो कि ऐसा मैंने इसलिए किया है कि यहां गोचर के किनारे एक व्यक्ति का खेत है और उसने गोचर को तोड़ा है, गोचर के ऊपर अतिक्रमण किया है, और उस व्यक्ति की मेरे भोजन पर अगर दृष्टि पड़ जाती है तो मेरा भोजन है वो भी अपवित्र हो जाता है। अब आप विचार करो कितनी ऊंची बात है कि मांस है वो भी अपवित्र हो जाता है किसकी दृष्टि पड़ने से, जिसने गोचर को तोड़ा है, जिसने गोचर के ऊपर कब्जा किया है। अब आप विचार करो कि गोचर के ऊपर कब्जा करने वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है, जिसका बुरा न माने खरे खर में उस व्यक्ति को मुंह देखने लायक वो व्यक्ति नहीं है। हमारे पूर्वजों ने तो गोचर छोड़ा है, हमारे पूर्वजों तो गोचर छोड़ा है, और ये जो गौ माता जो बोलती नहीं है, अबोल प्राणी है, इसका हमने गोचर हड़पा है, तो इससे बड़ा नराधमी और पापी कौन हो सकता है। तो सच्ची बात तो हमेशा कड़वी थोड़ी लगती है, लेकिन मेरा आग्रह यही है कि अगर इसी प्रकार से ये गोचरों के ऊपर अतिक्रमण होते रहेंगे
तो ये आने वाला समय गौ माता के लिए बचेगा नहीं। आज हम विचार कर रहे हैं, आप कहीं पर भी चले जाओ, गौ माता सब जगह रोड के ऊपर घूम रही। क्यों घूम रही रोड के ऊपर? गाय के लिए रहने के लिए स्थान है ही नहीं कहीं। हमारे गांव के अंदर लंबे चौड़े गोचर रहते थे, आज गोचर कहाँ है? गोचर नहीं है, सबके ऊपर अतिक्रमण हो गया। और फिर कहते हैं गाय बाजार में आ रही है, गाय रोड के ऊपर घूम रही है, गाय के एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि गाय को जाना कहाँ? 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर गाय को यहाँ से भगाते हैं, चारों तरफ तारबंदी कर रखी है, उसके साथ में करंट जोड़ दिया है। अब गाय को मुंह कहीं डालने की बात है नहीं, न नंदी मुंह डाल सकता, न गाय मुंह डाल सकती है। और इसको बेचारी को यहाँ से दौड़ाते हैं और वहाँ तालियाना तक जाती है, तालियाना वाले दौड़ाते तो जीवाना तक आती है। और ऐसे करते करते काली रोड के ऊपर उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है बिना खाए और पिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम जिसको माँ कहते हैं, माँ शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, माँ में ममत्व है, माँ में प्यार है, माँ में वात्सल्य है। और जिनको माँ कहते हैं उस माँ के साथ में हम क्या अन्याय कर रहे हैं? एक भी व्यक्ति कोई अगर एक भी गौ माता का पालन पोषण करता है तो वो भी बहुत बड़ा आदमी माना जाता है वर्तमान समय के अंदर। लेकिन आप भाग्यशाली हो कि आपके यहाँ पर तो सैकड़ों गौ माता का पालन पोषण हो रहा है। और ये भी पर्याप्त नहीं, मैं मान रहा हूँ जीवाणा के लिए पर्याप्त नहीं है ये। जीवाणा के लिए अगर 5,000 गौ माताएं हो तो भी यहाँ कोई धन की कमी नहीं है, धन देने वाले खूब है। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि आपसी विद्वेष को छोड़ करके, आपसी द्वेष को छोड़ करके, और कौन बड़ा और कौन छोटा गौ माता की सेवा के अंदर, गौ माता के हम लोग सभी पुत्र है और जो सेवा करता वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। इसलिए जो जो कार्यकर्ता यहाँ सेवा कर रहे हैं खूब धन्यवाद के पात्र हैं। इससे शायद ये मेला नहीं और उससे पहले वाले मेले में मैं आया था, उस समय लीलाराम जी वहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से 2 बीघे जमीन गौ माता के लिए अर्पित करता। मैंने अभी पूछा लीलाराम जी कहा, तो यही पास में पड़ी। तो जहां करोड़ों रुपए का भाव चल रहा है तो वहां भी समर्पित करने वाले कितने लोग अच्छे हैं, देने वाले लोग भी हैं।